कालगा से टुवर्ड्स बुनबुनी साइड जाने का, डेढ़ दो साल के बाद में कालगा वाले कुटल्या का बारिश हो गई स्टार्ट, हवा भी चल रही है फुल पावर। फिजिकल टाइटनेस है, मेंटल रिलैक्सेशन है, एवरग्रीन डेडली कॉम्बिनेशन। बारिश ऐसे ही पानी के सोर्स के साथ साथ बुनबुनी का मेडो स्टार्ट। किचन हमने कर लिया है हाई लेवल सेट। तो दोस्तों वेलकम टू एकदम फ्रेश ताज़ा ब्रांड न्यू एपिसोड फ्रॉम पार्वती वैली। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया दोस्तों, हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो नहीं आया है। और जो लोग मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा कि पिछले एक डेढ़ महीने से मैं हूँ हिमाचल प्रदेश में, एंड टू बी प्रिसाइज मैं हूँ इन एंड अराउंड कालगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि पार्वती वैली से मुझको एक अलग ही लेवल का प्यार है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार आने के बाद में पार्वती वैली को ऐसा अपना सेकंड होम बनाया जाए। मतलब आई वॉज सर्चिंग फॉर सम प्रॉपर्टी, लेकिन हिमाचल में लीज चलती है दोस्तों मार्च टू मार्च। तो अभी जो भी मेरे पास में ऑप्शंस अवेलेबल है वो आप लोग बोल सकते हो ऐसा बेस्ट अमंग द वर्स्ट वाला सीन है। तो मतलब ऐसा कुछ मुझको समझ में नहीं आया, काफ़ी ज़्यादा मैं इधर उधर दौड़ा, लेकिन मार्केट में ऑलरेडी हल्ला कर दिया गया है दोस्तों। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी ऐसा नज़र में आएगा तो फ्यूचर में आपको ऐसा सुनने में आ सकता है कि मैं ऐसा पार्वती वैली में सेटल होने का प्लान कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी लकली मेरे लखनऊ से कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड्स आए हुए हैं और अब फाइनली मेरा भी टाइम आ गया है यहाँ से टूवर्ड्स लखनऊ साइड मूव करने का, तो उन्हीं के साथ में मैं लद जाऊँगा। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो ज़रूर यहाँ से प्रेजेंट करना चाहूँगा। तो आज हमारा प्लान है दोस्तों कालगा से टुवर्ड्स बुनबुनी साइड जाने का। बुनबुनी बहुत ही ज़्यादा लेस विजिटेड लेस एक्सप्लोर टाइप की प्लेस है। कालगा से अनदर 3-4 घंटे का ट्रैक है। मोस्ट ऑफ द पीपल चले जाते हैं खीरगंगा, जो कि अभी है बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड, और बुनबुनी में ऐसा रुकने का कोई सीन नहीं है। तो मतलब हम खुद से अपना टेंट स्टोव सब कुछ लेकर के जाने वाले हैं। तो मस्त नहा धोकर के फ्रेश हो चुका हूँ, अभी 12:30 बज रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग लेट चल रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ी देर में मिलाता हूँ अपने लखनऊ के फ्रेंड से, और कालगा में दोस्तों आप जानते ही होंगे मैं रुका हूँ अपने फेमस खीमू बाबा के पास में। तो अब यहाँ से निकलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ क्या रहने वाले रास्ते का सीन। तो दोस्तों फाइनली तकरीबन 1.5-2 साल के बाद में हमारी मुलाकात होने जा रही है हमारे खीमू भाई से। खीमू भाई कहाँ चल रहे हम लोग? फुल पावर बुनबुनी जाएंगे यहाँ से कुटला, उसके बाद गई वही होते हैं ना। चलिए चलते हैं, बाकी लोग निकल गए आगे। तो दोस्तों ऐसा मैट टेंट आ गया, हमारे दोस्त चल रहे हैं उन लोगों के पास में भी अपना मैट टेंट स्लीपिंग बैग, देख रहे हो साइड में अगर ऐसा पॉलीथीन लगे हुए, तो मैगी ब्रेड बटर सब उठा लिया है। बहुत दूर दोस्तों ऊपर हमको हमारे दोस्त भी दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ऊपर आने के बाद में कुछ ऐसा माहौल है कालगा का, दूर कहीं दिख रहा है वर्षा नहीं, वहाँ दूर कहीं दिख रहा है तोश, ऊपर वाला रास्ता टूवर्ड्स कुटला। तो ये हमारे हैदर, क्या ले दोस्त ऑल सेट? क्या लग रहा हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे? पूरा मार के आएंगे बुनबुनी। तो दोस्तों ऐसे ही हमको चलना रहेगा आगे, और आगे जाने के बाद में दो और हमारे लखनऊ के दोस्त हैं उनसे भी कराते हैं हम आपको मुखातिब। तो भाई लोग करते कराते हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली कुटला, और ये रहे हमारे बाकी के दो ख़तरनाक कैरेक्टर, हमारे अमान भाई और हमारे शहाब भाई। तो शहाब भाई ये हाई लेवल एकदम ट्रैकर मिस्टर कसौल कर चुके हैं पिन पार्वती ट्रैक ना, तो आपके लिए तो इजी है, कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं है, हाई लेवल दोस्तों आप देख सकते हो एकदम। आपका क्या कहना अभी तक ट्रैक के बारे में? भाई ट्रैक के बारे में ये है कि पहले खीरगंगा तक की हुई है, लेकिन ये थोड़ा सा स्टीप है ज़्यादा, हाँ ऊपर तक जाने के लिए बुनबुनी तक तो है, अब आगे देखें। लेकिन बाबू बताइए क्या खीरगंगा जिन लोगों ने कर लिया ना उन लोगों ने तो कर लिया, बुनबुनी का अपना अलग व्यू है। तो दोस्तों कुछ ऐसा माहौल है कालगा वाले कुटल्या का, मतलब क्या ही ब्यूटीफुल जगह है, सामने से आपको बरछैनी तोश पुलगा कालगा व्यू मिलता है। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स गई, मतलब अगर आप लोग चाहो तो ऐसा कालगा वाले कुटला में भी रुक सकते हो, आप देख सकते हो ऐसा 1-2-3 कैफेज वगैरह बनाए। वार्निंग स्टार्ट हो गए दोस्तों, यहां से बादल गरजना हो गए हाई लेवल स्टार्ट, और अभी हम लोगों ने करी है गई की चढ़ाई स्टार्ट। Have some energy, I will have energy.
मौसम एंजॉय करने वाला। तो दोस्तों मैं तो आया हूँ फुल पावर टी शर्ट में करके, मैं जो है रेन कवर पहन लेता हूँ, बैग का भी मेरा रेन कवर की मोइन उड़ा दिया है भाई लोग बारिश की वजह से, ऐसा पोंचो ऑंचो निकाल दिए गए, बारिश हो गई स्टार्ट, हवा भी चल रही है फुल पावर की, मोबाइल एंजॉय कर रहे हो ही कर रहे हो? यस फुल पावर ब्रो। भाई तो क्या खीमू भाई इधर आओ, आज है सबसे ज्यादा मस्ती में खीमू भाई, क्योंकि इनका यह है कि लखनऊ के तीन लौंडे चार लौंडे में ढूंढे आज इनकी सीन पड़े सोने वाला है। क्यों इधर तो देखा मूत्र हो गया खीमू भाई? अच्छा नहीं तो दोस्तों ऐसे ही हंसी मजाक यहाँ पे चलता रहेगा, करते कराते हम लोग पहुंच जाएंगे आगे टूवर्ड्स बुनबुनी। तो दोस्तों बात करें अगर बुनबुनी ट्रैक के बारे में, तो खीरगंगा से थोड़ा डिफिकल्ट है बुनबुनी ट्रैक। खीरगंगा ऐसा 13-14 किलोमीटर है कलगा से, और बुनबुनी होगा 7-8 किलोमीटर। लेकिन बात यह है कि कलगा से गई तक मुझको बताया गया है स्टीप चढ़ाई है, और बताया क्या गया है ऐसा है भी स्टीप चढ़ाई है, लेकिन आप लोग स्लो एंड स्टडी पेस से कर सकते हो। और यहाँ गई आने के बाद में ऐसा कल्टिवेशन वगैरह भी हो रहा है, सीन कुछ ऐसे हैं यहाँ से भी नज़ारे। तो अगर आप लोग कर रहे हो ट्रैक तो इस तरीके से मार्किंग वगैरह भी आपको मिलेगा। बारिश भी हो गई तेज़, अभी पहुंचो उतारा था। तो दोस्तों ऐसे बीच बीच में मैं आपको अपडेट देता चलता हूँ, बारिश भी हो रही है और ऐसा दोस्त लोग भी बातें बूते करते हुए हम लोग चल रहे हैं आगे भी हो रही है, वहाँ पे शूटिंग दिखाता हूँ आपको। दैट इज हैदर फिल्मिंग मी फिल्मिंग हिम। चले भाई जी थोड़ी देर पहले देखते हमने ईशा ग्राउंड में, अब हम आ गए यहाँ कितने हाइट पे, हमें अभी 2926 मीटर, काफ़ी तेज़ी में हमने किया है, ग्राफ में आप देख सकते हो हाइट अटेन। क्या बोलना है मेरी पब्लिक को, ट्रैक कैसा है ज़रा पब्लिक को भी कुछ बताओ यार। फिजिकल टायर्डनेस है बट मेंटल रिलैक्सेशन है। तो भाई लोग बहुत देर के ऐसे 2 घंटे के ट्रैक के बाद में हम लोगों को फाइनली यहाँ पर ऐसा रिहाइश वाला सीन दिख गया है। वहाँ अगर आप लोग दूर कहीं झोपड़ी बनी देख रहे हो तो वो है ऐसा गद्दी लोगों की, क्या मिल रहा है पनीर ना, हाँ वो लोग यहाँ पे ऐसे शेफर्ड लोग हैं। तो भाई लोग अभी 4:20 हो रहे हैं, अब हम लोग यहाँ से दोबारा से निकल रहे हैं, हम लोगों ने पनीर इधर से उठा लिया है और मौसम भी हो गया है ठंडा, बोल करके मैंने अपना जैकेट निकाल लिया है। तो आपको यहाँ से मैं अगर रास्ता दिखाऊं तो कुछ इस तरह से पेड़ों से होते हुए निकल रहे हैं, ये जो आप ऊपर वाली साइड देख रहे हो वहाँ पे ऐसी झोपड़ी बनी है, गद्दी लोग हैं वहाँ पे शेफर्ड्स, उन लोगों ने हमको दे दिया है पनीर, और इस तरह से पब्लिक बढ़ गई आगे। तो अब हम लोगों को यहाँ से चढ़ना रहेगा ऊपर, उसके बाद में उस रिज के परे है बुनबुनी। क्या हो रहा भाई? भाई ये मंचिंग हो रही है, मंचिंग हो रही है, हम लोग बिस्किट और बटर खा रहे हैं। ये प्रो ट्रेकर्स का मील है ये, एकदम एवरग्रीन टेडली कॉम्बिनेशन। तो भाई लोग बुनबुनी पहुंचने से पहले क्या ही खूबसूरत हो गए नज़ारे, दूर कहीं बहुत दूर उस तरफ मुझको दिख रहा है बरशैनी, हम लोग ऑलमोस्ट जो ये वाला हमको पहाड़ बहुत दूर ऊपर दिखाई देता था, अब काफ़ी हो गया करीब में। तो खूबसूरत हो गए नज़ारे दोस्तों, बढ़ते चलते हम आगे। भाई लोग बारिश ऐसे ही कभी हो रही है फिर रुक जा रही है, लेकिन अभी हम लोग जिस टेरेन पे हैं तो मतलब ऐसा थोड़ा ओपन वैली हो गया है। वेयर इज़ मिस्टर कसौल इज़ हियर। भाई जी अपने दोस्त की थोड़ी सी चिंता करो आप भी भाई, उसकी निगाह है अपनी, निगाह है उसकी, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना दोस्त हमारा वहाँ है नीचे, थोड़ी देर रुकते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। अपना एक्सपीरियंस बताए पार्टी के, अभी तक नीचे से ऊपर तक आ रहे हैं कैसा लगा ट्रैक, कोई पब्लिक जैसे आ रही है नीचे से तो क्या बोलना चाहेंगे जो नए ट्रैकर लोग आ रहे हैं उनके लिए? अगर रेट करेंगे 10 में तो 6-7 है, 6-7 है डिफिकल्टी लेवल का ना। हाँ मतलब जब से कलगा से चढ़े ऐसा स्टीपी चढ़ाई है, बस एक 100 मीटर का हमको प्लेन पैच मिला था। 1 घंटा और 5 बज गए भाई। पहले बहुत ही खूबसूरत सी एक जगह दिख गई थी तो सोचा क्यों ना यहाँ पर थोड़ा रुक के नज़ारों वज़ारों को एंजॉय करते हुए आपसे कुछ बात करी जाए।
तो अगर ऐसा पानी की बात करी जाए तो अगर आप लोग नीचे कलका से एक लीटर वाटर बॉटल कैरी करके आते हो तो गई तक तो मतलब आप दोबारा उसको रिफिल कर सकते हो, वहाँ तक है ऐसा सोर्स ऑफ वाटर, मतलब स्ट्रीम बहती है। गई के बाद में अनदर ये 2-3-4 किलोमीटर जो भी हम लोग चले हैं उसके बाद में फाइनली अब हम लोगों को दिखा है यहाँ पर ऐसा पानी का सोर्स। तो पब्लिक कुछ ऐसे ही पानी के सोर्स के साथ साथ हम लोग बढ़ रहे हैं आगे थोड़ा सा। यहाँ पर आने के बाद में ऐसा प्लेन टाइप का हुआ है माहौल, आगे ऐसा कुछ गुज्जर लोगों का, वहाँ पे हमको ऐसा कुछ लकड़ी का घर वर भी दिख रहा है। नहीं है तो क्यों भाई का हमारे कहना है कि पिछली बार यहाँ पर ऐसा खाने खुने का जुगाड़ था लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो भाई लोग हम लोग ऐसा अपने साथ में 5 लीटर का वाटर पाउच कैरी कर रहे थे, उसको यहीं पर मौका है चौका मार के ऐसा भर लिया जाएगा जिससे कि ऊपर हम लोग अपना सूप वूप चाय वाय और जो भी हमारा है प्लान उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जब तक अपनी पब्लिक लोग पानी भरती है हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ऊपर किसी ठीक सी जगह पर वहाँ पर बैठते हैं, उन लोगों का वेट करते हैं। खत्म दोस्तों, ये ऊपर की साइड पे पूरा ऐसा फॉरेस्ट वाला एरिया हो गया स्टार्ट, कहीं कहीं से ऊपर की साइड हमको ऐसा ग्लेशियर दिख रहा है, मेल्ट हो रहा है, वही ऐसा पानी की स्ट्रीम बना रहा है। अभी हमको एक बार ऊपर ऐसे चढ़ना है फिर मेडो ऑफ बुनबुनी। तो भाई लोग ऐसे ही धीमे धीमे मंजिल की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या कहना मान भाई, ये वाला पैच जो है थोड़ा ईजी है ना, ईजी भी था और सामने से व्यू भी हमें बहुत सही हो रहा है। अब हम लोग जो है पहाड़ों के ऑलमोस्ट इक्वल हो गए हैं, पीछे से की मोबाइल वगैरह आ रहे हैं तो बोलिए हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों जस्ट इसके बाद में होने वाला है बुनबुनी का मेडो स्टार्ट। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं मैं बुनबुनी पास और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूंगा, यहां पर पहुंचने के बाद में दोस्तों क्या ही खूबसूरत है नज़ारे। मतलब ऐसा कंपैरिजन अभी भी मैं नहीं कर रहा खीरगंगा की अपनी ब्यूटी है बुनबुनी की अपनी ब्यूटी है, लेकिन ये चीज़ जान के मुझको बहुत ज़्यादा हैरत है कि बुनबुनी में आने के बाद में दोस्तों यहां पर कोई ऐसा कैंपिंग का सीन वीन नहीं है। मतलब आपको खुद अगर आप टेंट लेके आ रहे हो तो आप रुक सकते हो, वरना आप ऐसा सिंगल डे भी आके जा सकते हो जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मतलब यहां तक आने के बाद में अगर आपने व्यू नहीं इंजॉय किया और रात में यहां पे नहीं आप लोग रुके तो मतलब कोई ऐसा सेंस बनता नहीं है मेरे हिसाब से। तो मतलब मैं तो प्रेफर करूंगा, आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग कैंप लेके आओ। बाकी आपको मैं दिखाता हूं यहां के नज़ारे प्रस्तुत करते हैं लाइक 3, 2 एंड 1। सीन एकदम चिल हो चुका है। पीछे की साइड पर दोस्तों एक और भी ग्रुप आया जो आने के बाद में रुका है, जैसे कि मैंने बोला बहुत ही कम पब्लिक आती है यहाँ पे और ऐसे कुछ वीडियोग्राफी वाला सेशन हो रहा है यहाँ पे। हम लोगों को मिले ऊपर की साइड पे ये गद्दी लोग, ये लोग यहाँ पे शेपर्ड है। आप लोग ऐसा यहाँ पे जड़ी बूटी ढूंढने आते हो ना, जड़ी बूटी है सबके लिए, थोड़ा सा शाय है लेकिन कोई बात नहीं। वहाँ पे हमको कुछ मिल सकता है, मैगी मुगी मिल सकती है उधर? नहीं, मैगी नहीं मिलेगी, मतलब ऐसे दूध दूध मिल सकता है, दूध दूध मिल सकता है। और क्या ही जबरदस्त नज़ारे हैं दोस्तों, मतलब मैं कितनी बार बोल चुका हूँ ये वीडियो में लेकिन जो बात सच है वो बात सच है, और कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मतलब अगर आप लोगों को सच में एंजॉय करना है तो आपको कैमरे की जगह खुद से ये जगह को फील करना रहेगा। तो अब थोड़ी देर में रेस्ट करने के बाद हम लोग कुछ अपना खाने पीने सूप वूप का जुगाड़ करते हैं स्टार्ट। लोग कुछ ऐसा सीन है, ये रहा अपना गैस का सिलेंडर लेंडर, अपने पास में सामान साधो, सामान पूरा एकदम हार्ड है। तो थोड़ी देर में करते हैं स्टार्ट और क्या ही बाहर का नज़ारे हैं दोस्तों। तो भाई लोग ऐसे सूप वूप का यहाँ पर हो रहा है सीन स्टार्ट, बाकी के हमारे भाई लोग जो है वो लोग कहाँ जा रहे हैं, लकड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, हार्ड लुक ले लिया हमारे मिस्टर कसौल ने। तो कुछ ऐसे ही दोस्तों सीन चल रहा है यहाँ पे बहुत उमदा। हमारे साथ बैठे हैं मास्टर शेफ अमान भाई,
तो दोस्तों ऐसे ही थोड़ा सूप वूप इंजॉय करते हैं, उसके बाद में मैगी वैगी बनाएंगे, ब्रेड है, ऑमलेट है हमारे पास, मतलब ऑमलेट बनाएंगे ऐसा करके। तो एक बार वो लोग भी आ जाए, लकड़ी कड़ी कलेक्ट होती है, बाकी जैसा रहेगा बीच बीच में देंगे अपडेट। अभी के लिए सूप इंजॉय करते हैं, बहुत ज्यादा आज के लिए हो गया वीडियो, क्यों भाई? बिल्कुल, लेकिन बीच बीच में अपडेट देना पड़ेगा, देना जरूरी है, बहुत दिन गायब था ना। ठीक है दोस्तों, तो होते हैं मुखातिब। सर वो दिखाना हम कितना दूध लेकर के आए, ये इसका कॉफी बन रहा है लोगों से। कम बजट का जो है डेरी वेरी खुल चुकी है, यहाँ पे दूध है, पनीर है और क्या ही पूरा एकदम किचन विचन हमने कर लिया है, हाई लेवल सेट। तो दोस्तों यहाँ पर मस्त ऐसा बॉनफायर का सीन बना लिया गया है, महफिल हमारी सज चुकी है, यहाँ पे फुल पावर एंजॉय हो रहा है क्यों भाई?